गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। प्यारी प्यारी सत्संग जी, आज का टॉपिक है गुरु भक्ति। प्यारी सत्संग जी, हमने कई ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं गुरु भक्ति के बारे में कि ऐसे ऐसे महान भक्त हुए जिन्होंने गुरु की भक्ति की। हर कंडीशन में, हर हाल में उन्होंने गुरु की भक्ति की। उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियाँ आईं, रुकावटें आईं, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, वो थमे नहीं। प्यारी सत्संगत जी, ये जज्बा, जुनून गुरु भक्ति का सबके अंदर नहीं होता, किसी किसी में होता है। कोई विरला जो होता है वो गुरु का भक्त होता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति तो कोई शूरमा ही करता है, और आज हम सब भी भक्ति कर रहे हैं, हम सब गुरु की भक्ति कर रहे हैं। हम सब ने ब्रह्म का ज्ञान लिया है, तो हमें ये सोचना है, समझना है कि अब हमें करना क्या है। सद्गुरु बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने जब बाबा अवतार सिंह महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान दिया, तो एक तूफान, एक जुनून जगा दिया। सतगुरु अपने सेवक के अंदर जुनून जगा देता है, तो बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह के अंदर जुनून जगाया, आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि तो गुरु का मिशन होता है सबको परमात्मा के साथ जोड़ देना। तो बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने कहा कि मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाना ही आपकी गुरु भक्ति है। ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये ब्रह्म का ज्ञान, ये जो निरंकार आपको दे रहा हूं, तो इस ज्ञान को आगे से आगे फैलाइए, सबको इस निरंकार के साथ जोड़ दीजिए। मेरी बात को, मेरी आवाज को आगे लेके जाना, इसका प्रचार करना, यही गुरु भक्ति है। गुरु की बात पे चलना ही गुरु भक्ति है। गुरु के वचन को मान लेना ही गुरु भक्ति है। गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यम राज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार के, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देव लोक में वास करे। गुरु की बात को सत वचन करके मान लेना ही गुरु भक्ति है। जैसा गुरु आदेश उपदेश देते हैं उस रास्ते पर चलना ही गुरु भक्ति है। तो इसके लिए बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने और शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने 25 मई 1929 को संनिरंकारी मिशन की स्थापना की। संनिरंकारी मिशन की स्थापना 25 मई 1929 को पेशावर, पाकिस्तान में हुई थी। उस वक्त ऐसा दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। तो ऐसे दौर में, ऐसे भीषण दौर में, जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन था, इंसान इंसान का वैरी था, जहाँ पर नफरत की आग जल रही थी, तो ऐसे टाइम पे संनिरंकारी मिशन ने प्रेम की बारिश की, प्यारी प्यार बरसाया, सबको इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर ठंडक दी, शांति दी। तो जो हमारा ये मिशन है संनिरंकारी मिशन, बहुत ही प्यारा मिशन है। प्यार से प्यारा हमारा मिशन, जान से प्यारा हमारा मिशन। हमारा संनिरंकारी मिशन आगे बढ़ता ही रहेगा, मानवता को प्रेम ही प्रेम बांटता रहेगा, प्रभु निरंकार से सबको जोड़ता रहेगा, सत्य का ये कारवा सदा बढ़ता ही रहेगा, मिशन हमारा बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि सत्य का मिशन है, प्रभु परमात्मा का मिशन है, निरंकार के साथ जोड़ता है। चाहे कोई कितना भी अड़ंगे लगाए, कोई कितनी भी रुकावट डाले, लेकिन हमारा मिशन आगे बढ़ता ही रहेगा। और एक सपना था हमारे बाबा बूटा सिंह महाराज जी का, शहंशाह जी का, बाबा गुरुबचन जी महाराज का, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का, और सभी ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, जी जान लगा दिया इस मिशन के लिए। तो हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो प्रेम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये निभाना पड़ेगा। प्रेम का जहान बसाना होगा, धरती को स्वर्ग बनाना होगा, संत का रोल हम सबको निभाना होगा, मिशन की आवाज़ घर घर तक पहुंचाना होगा, बूटा अवतार गुरुवचन हरदेव का सपना हम सबको मिलकर सजाना होगा। यही हमारी गुरु भक्ति होगी और यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि हम गुरु को तो कुछ दे ही नहीं सकते हैं और हमारी कोई औकात ही नहीं कि गुरु को हम कुछ बदले में कुछ दे पाए। गुरु ने तो इतने एहसान किए हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कि गुरु के एहसानों का बदला कोई चुका नहीं सकता है। तो गुरु की दक्षिणा हम क्या देंगे, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सच्ची सही मायने में गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हैं तो हम मिशन की आवाज़ को घर घर तक पहुंचा दें, मिशन की आवाज़ को अपने कर्मों के द्वारा प्रचार करें, ना केवल वाणी से, केवल बातों से नहीं, अपने कर्मों के द्वारा मिशन का प्रचार करें। बोलो के साथ हमारे कर्म भी जुड़ जाएं तो बात बन जाएगी। तो अगर हम मिशन की आवाज़ घर घर तक पहुंचा रहे हैं, सबको सत्संग में लाकर बिठा रहे हैं, सत्संग के साथ जोड़ रहे हैं, तो यही हमारे गुरु की भक्ति है। सबको सेवा सत्संग सिमरन के साथ जोड़ देना, सबको ज्ञान दिलवा देना, एक माध्यम बन जाना, प्रभु परमात्मा से मिलाने का माध्यम बन जाना। और ये सबसे नेक काम है, सबसे पावन पुनीत पुण्य कर्म है, सबसे महान कर्म है, किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ देना, किसी के भ्रम को मिटा देना। तो संत ही ये काम करते हैं। संत, भक्त, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर जब भी धरती पर आते हैं वो यही काम करते हैं, सबको एक प्रभु परमात्मा निरंकार के साथ जोड़ते हैं, सबको एकता का संदेश देते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो हमारी गुरु भक्ति भी यही है कि सबको निरंकार के साथ जोड़ना, सबको परमात्मा के साथ जोड़ देना। और ये हमारे सदगुरु चाहते हैं कि उनका सेवक, उनका सेवादार, गुरसिख, संत, महात्मा बढ़ चढ़कर गली गली, मोहल्ले, आस पास, पड़ोस जहाँ रहता है तो अपने कर्मों से प्रचार करे। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी की जाने कर्मों से दुनिया सारी, हमारे कर्म महान हो जाए, हम एक सिंपल पीस बन जाए समाज के लिए, कि लोग हमारे कर्मों को देखकर पूछे कि भाई साहब आप कहाँ जाते हो, इतनी सुंदर शिक्षा आपको कहाँ से मिली है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अक्सर कहते थे सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास कि सद्गुण दिव्य गुण से युक्त हो जाएं, मानवीय गुणों से युक्त हो जाएं, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, क्षमा, दया, जो दैवी गुण है, दिव्य गुण है, ये हमारे अंदर आ जाएं। तो गुरु की बात, जो गुरु की शिक्षाएं हैं, वो अगर हम मान लेते हैं, जीवन में ढाल लेते हैं, तो यही हमारी गुरु भक्ति है। तो आइए प्यारी साध संगत जी, हम सबको संत बनाया गया है तो हम संत की ड्यूटी, संत का रोल निभाएं और गुरु के वचन पर चल के, गुरु की बात को मान के संत निरंकारी मिशन का परचम लगाते हुए चले जाएं। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार।